हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने स्टूडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर फ्लिपकार्ट में आपने कोई ऑर्डर किया है और उसे आप अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पास में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट के ऐप में चले जाना है। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट के ऐप में जाते हैं, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर तीन लाइन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मेरे ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब आपने जो जो ऑर्डर यहाँ पर कर रखे हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए 16 सितंबर तक डिलीवरी होने वाली है, ये दो टी शर्ट हैं, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर रद्द करें पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए। अभी आपको कैंसिल करने का कारण यहाँ पर देना है कि मैंने अपना मन बदल दिया है, और यहाँ से सबमिट करें। इस प्रोडक्ट पर आपने 450 रुपये की बचत की है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से ऑर्डर कैंसिल करने वाले हैं। कैंसिल करने की पुष्टि की स्थिति को चेक करें, ये देखिए ऑर्डर कैंसिल हो गया है। आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, आपका रिफंड यदि प्रक्रिया में 4 घंटे लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर है वहाँ से डिस्पैच नहीं हुआ है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। डिस्पैच अगर हो गया है तो फिर आप उसे रिटर्न कर पाएंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, यूट्यूब, TV, इंस्टाग्राम, ईमेल, गूगल से जुड़ा अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।